वक्त अभी तोपसिया के 56 तालाब इलाके में, जो कि जीजे खान रोड के नाम से जाना जाता और 56 तालाब इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 56 तालाब है और पास में कुछ झोपड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। जी हाँ, दाहिने में जहाँ मेरे गगनछूती इमारतें हैं, एटमोसफियर है, और बाएँ में मेरी बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाज़ार है। हमारे ठीक पीछे एक बरगद का पेड़ है और बहुत सारी झोपड़ियाँ लगी है। ये आप उन झोपड़ियों को देखेंगे। आज हुआ क्या कि हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं इस इलाके में शराब, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम वगैरह इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को ये दिक्कत आ रही है आम जिंदगी में। जी हाँ, कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे हालांकि वो मीडिया में सामने नहीं आना चाहते, अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते वो, लेकिन ये ज़रूर बोल रहे हैं कि यहाँ पे रहना दुश्वार हो गया है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं, और हम ये अपील भी करते हैं कि लोग शराब का सेवन ना करें। लेकिन जब हालाते बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया की टीम महानगर कोलकाता के तोपसिया इलाके गई तो देखकर अचंभित रह गई। यहाँ एक अलग ही नज़ारा सामने आया। आपको बता दें कि हालाते बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया की टीम ने तोपसिया के इस 56 तालाब इलाके में धड़ल्ले से चल रही अवैध शराब के गोरख धंधे की पोल खोलने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि शराब खरीदने वालों के लिए यहाँ आना क्यों ज़रूरी हो जाता है। हमारी टीम ने जो तस्वीर ली है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये अवैध शराब का धंधा काफ़ी दिनों से चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि दूसरी नशीली चीज़ें भी पाई जाती हैं जिसे खरीदने के लिए लोग यहाँ आते हैं। सरकार की इतनी सख्ती के बाद हमें लग रहा था कि कोलकाता जैसे शहर शराब तक पहुँचना हमारे लिए नामुमकिन होगा, लेकिन हमारी कोशिश थी कि सच सामने आए, और इसलिए ऑपरेशन 56 तालाब की शुरुआत के लिए हमने सबसे पहले इस इलाके को चुन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने गली मोहल्ले में अपना जाल बिछाया। हमारे पास किसी सप्लायर का नंबर नहीं था, हम बिल्कुल अनजान थे। चौक चौराहों पर हमने पान की दुकान, रिक्शा चालक, ऑटो चालकों को टारगेट किया। उम्मीद के मुताबिक ही शुरुआत में सब ने सख्ती से बात की, बात कहते ही शराब खरीदने से मना कर दिया। हमें लगा कि सप्लायर हमसे शराब खरीदने की जिद करेगा, लेकिन वो चौकन्ना था। वैसे तो बिहार में नशे का पाताल लोग कितना गहरा है ये सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बंगाल शराब के सेवन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। बहरहाल आम बातचीत के दौरान हमें पता चला कि यहाँ युवा और बच्चे इसके शिकार होते हैं, यानी नशे का ये काला कारोबार युवाओं और बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है, इसलिए हमने ये खबर आप तक पहुँचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया। जहरीली शराबें पीने की वजह से और गैर जहरीली भी शराबें हों पीने के वजह से तकरीबन हर साल 260,000 हिंदुस्तानी मरते हैं, ये गवर्नमेंट डेटा है। आपको बता दें कि तकरीबन अभी तक का जो एम्स ने पिछले साल अक्टूबर में डेटा इशू किया है, 3,10,00,000 हिंदुस्तानी नशा करते हैं, गांजा, चरस, अफीम, ओपोइड टैबलेट्स, अब जो भी कह ले ड्रग्स। ये सब बताने की वजह यह है कि मैं इस वक्त अभी तोपसिया के 56 तालाब इलाके में, जो कि जीजे खान रोड के नाम से जाना जाता है और 56 तालाब इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 56 तालाब है और पास में कुछ झोपड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। जी हाँ, दाहिने में जहाँ मेरे गगनछूती इमारतें हैं, एटमोसफियर है, और बाएँ में मेरी बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाज़ार है। हमारे ठीक पीछे एक बरगद का पेड़ है और बहुत सारी झोपड़ियाँ लगी है। ये आप उन झोपड़ियों को देखेंगे। आज हुआ क्या कि हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं इस इलाके में शराब, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम वगैरह इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को ये दिक्कत आ रही है आम जिंदगी में। जी हाँ, कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे हालांकि वो मीडिया में सामने नहीं आना चाहते, अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते वो, लेकिन ये ज़रूर बोल रहे हैं कि यहाँ पे रहना दुश्वार हो गया है इन शराबियों के वजह से। आपको ये झोपड़ा देखकर लग रहा होगा कि इतनी अच्छी हवा चल रही है तो क्यों ना आप भी आए यहाँ टहल के जाए, आप नहीं आ सकते। आप वीडियो में देखेंगे, हमने जो स्टिंग किया है वहाँ आपको दिखेगा किस तरह वहाँ लोग बैठ कर शराब पी रहे हैं। जी हाँ, ओपन देसी शराब का ठेक बनाया हुआ है। इनको ना पुलिस का डर है और ना समाज का। आपको बता दें कि हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें अपनी बंद कर ली हैं, तभी ऐसे
एंटी सोशल लोग ऐसे एंटी सोशल नशे के कारोबारी खुले आम धंधा चला रहे हैं। यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। जी हाँ, यहाँ बच्चे भी, आपको बता दें, आपने अगर सुना होगा या आप जानते होंगे, डेंड्राइट का नशा करते हैं, बहुत आसानी से यहाँ मिल जाता है, गांजा मिल जाएगा, चरस मिल जाएगा, अफीम मिल जाएगा। हमने जब पता करने की कोशिश की तो हर कुछ मिल जाएगा, आप इस वीडियो में देखेंगे। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं तिलजला थाना, पता करेंगे कि थाना इसके बारे में अवगत है कि नहीं, उन्होंने कुछ एक्शन लिया कि नहीं, और कुछ एक्शन लेंगे भी कि नहीं। हम इसके बारे में पूरी तफसील रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपको वापस से याद दिला दूं, ये तोपसिया का 56 तालाब इलाका है और मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ।